आंखें हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं और शरीर का सबसे नाजुक अंग भी होती हैं। इनकी देखभाल करने के लिए लोग कई तरह की सावधानियां बरतते हैं। लोग आंखों को धूप से बचाने के लिए कई तरह के चश्मों का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि चश्मे लगाने से धूल मिट्टी से आंखों का बचाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंखों की बाहरी सुरक्षा देने के साथ अंदरूनी सुरक्षा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये बात हम सभी जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारी आंखों की हेल्थ पर पड़ता है। कई बार अनजाने में हम कई तरह के गलत फूड्स खाते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आपके शरीर के लिए भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। इन चीज़ों को लंबे समय तक खाने से आंखों की रोशनी कम होने लगती है और आंखों से संबंधित समस्याएं भी बढ़ने लगती है। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन फूड्स के बारे में जो आपकी आंखों की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे नंबर वन पर आता है ब्रेड और पास्ता। जी हाँ, जिस ब्रेड को हम हर दिन सुबह नाश्ते में बहुत खुश होकर खाते हैं वही हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ब्रेड और पास्ता दोनों ही मैदा से बने होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होने के साथ साथ आंखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट आसानी से पच जाता है, इस कारण ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए मैदा के बजाय आप गेहूं के आटे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी डाइट में शामिल करें। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है तला हुआ खाना। जी हाँ, हम सभी जानते हैं तला हुआ खाना भी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इनमें अधिक मात्रा में फैट होता है जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और इनको खाने से वजन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तला हुआ खाना खाने से हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और टाइप 2 की डायबिटीज़ जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर आता है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट शरीर के लिए हानिकारक होता है और जब बात आंखों की आती है तो ये आंखों की रोशनी को भी प्रभावित करता है। प्रोसेस्ड मीट को खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसके सेवन से या इसको खाने से आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के साथ साथ रेटिना की भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है और रेटिना को भी नुकसान होने लगता है। इनमें मौजूद सोडियम शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिस वजह से ये सारी समस्याएँ होती हैं। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मीठी ड्रिंक्स, जिन्हें आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कह सकते हैं। मीठी ड्रिंक्स शरीर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों को नौता भी देती हैं, जैसे कि ये मोटापा बढ़ाती हैं, डायबिटीज़ की समस्या भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनके साथ साथ रेटिनोपैथी जैसी आँखों की संबंधित गंभीर बीमारियों को भी नौता दे सकती हैं। तो चलिए आप ये जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपनी आंखों की रोशनी को अच्छा रख सकते हैं और घटने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी डाइट में बादाम, सेब, केला, संतरा, अंगूर, अखरोट, मछली और हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए, जिससे आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और आपकी आँखें भी फिट रहेंगी और आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपनी रोशनी को और अपनी आंखों से हर चीज़ को बहुत क्लियर देख पाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।